क्या आप जानते हैं कि आप भी रियल लाइफ में स्पाइडरमैन बन सकते हो, या फिर आप एंटमैन की तरह एंट्स को कंट्रोल कर सकते हो? क्या आप आयरन मैन के सबसे पावरफुल एआई जार्विस को कमांड देना चाहते हो? अगर आप सोच रहे हो कि ये सब करना पॉसिबल है या नहीं, तो सच जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम। हम सबको स्पाइडरमैन की मूवीज बहुत पसंद है और बचपन से लेकर आज तक उसके सभी मूवीज को हम देखते आ रहे हैं। ऐसे में हमें भी स्पाइडरमैन जैसे बनने का और उसके जैसे सूट पहनने का ख्याल आता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब बाजार में स्पाइडरमैन का ऐसा कॉस्ट्यूम आ चुका है जो आपको पल भर में स्पाइडरमैन बना देगा। ये कॉस्ट्यूम बिल्कुल स्पाइडी के ओरिजिनल कॉस्ट्यूम जैसा दिखता है, जो किसी के भी बॉडी पर एकदम फिट हो जाएगा। इस सूट के चेस्ट पर बने स्पाइडरमैन का डिजाइन पीटर के लेटेस्ट सूट की तरह है, जो हमने स्पाइडरमैन होमकमिंग में पीटर को पहनते हुए देखा था। इसी के साथ इस कॉस्ट्यूम के लुक्स को और भी रियलिस्टिक बनाने के लिए इस पर 3D आई मास्क बनाया गया है, ताकि इसे पहनने वाले बिल्कुल रियल स्पाइडरमैन जैसा लगे। इस कॉस्ट्यूम को बच्चों से लेकर बड़े सभी के साइज में बनाया जा चुका है, क्योंकि सभी एज ग्रुप के लोग स्पाइडरमैन के दीवाने हैं। स्पाइडरमैन बनने के लिए स्पाइडी के कॉस्ट्यूम के अलावा और जो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है उसका वेब शूटर। जिस वेब शूटर से वेबिंग छोड़कर पीटर एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पर जंप मारता है, स्पाइडरमैन की तरह एक वेब शूटर आपके लिए भी डिजाइन किया जा चुका है। इसीलिए अब हर कोई स्पाइडी के कॉस्ट्यूम पहनने के साथ साथ उसके इस वेब शूटर को भी इस्तेमाल कर सकेगा और खुद को बना लेगा रियल लाइफ स्पाइडरमैन। इस वेब शूटर को डिश में लगाने के लिए पहले आपको आपके हाथ में एक बैंड को पहनना पड़ेगा। उसके बाद इस पर लगे होल्डर्स में एक बॉटल को फिक्स करना होता है, और जब भी आप इसके मेटल स्टिक को प्रेस करोगे, तब इस बॉटल में से मकड़ी की तरह जाले निकल आएगी। ये वेबिंग्स बहुत हद तक स्पाइडरमैन के असली वेब की तरह दिखता है, और अगर आप चाहो तो इस वेब शूटर से कई अलग अलग कलर्स के वेबिंग भी निकाल सकते हो। स्पाइडरमैन का सुपर विलन ग्रीन गोब्लिन को जेट ग्लाइडर पर चढ़ के हवा में उड़ते हुए आपने देखा ही होगा, और स्पाइडरमैन नो वे होम में उसने इसी ग्लाइडर से पीटर के आंट को मार डाला था। ग्रीन गोब्लिन की इसी जेट से इंस्पायर होकर गूगल फाउंडर लैरी पेज ने भी एक ऐसा फ्लाइंग गैजेट बना लिया है। इसका नाम रखा गया है किटी हॉक फ्लायर। इस गैजेट के प्रोटोटाइप वर्जन में चढ़कर लेक के ऊपर से उड़कर दिखाया है। ग्रीन गोब्लिन की तरह दिखने वाले इस फ्लायर में एक इंजन और 8 प्रोपेलर है, ताकि ये हवा में उड़ सके। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की इस फ्लायर की सबसे अच्छी बात ये है कि इसे कहीं पर भी पार्किंग कराया जा सकता है, चाहे वो किसी रोड पर हो या फिर किसी लेक पर। आयरन मैन मार्क 50 रोबोट। इस छोटे से आयरन मैन रोबोट को खासकर आयरन मैन फैंस के लिए बनाया गया है। अगर बात करें इसके लुक्स की, तो इसमें हर छोटी सी छोटी डिटेल्स का अच्छे से ध्यान रखकर इसे बनाया गया है। इस रोबोट के हाथ पर लगाई गई है एलईडी लाइट रिपल्सर, और चेस्ट पर है आर्क रिएक्टर। इसे आप अपने वॉइस कमांड के थ्रू या फिर स्मार्टफोन और टैबलेट से कंट्रोल कर सकते हो। इसमें लगे सेंसर और एक्सेलेरोमीटर की वजह से ये हमसे इंटरेक्ट कर सकता है और हमसे खूब सारी बातें भी कर सकता है। इस रोबोट की सबसे खास फीचर ये है कि इसके हेलमेट को अगर आप ओपन करोगे तो आपको टोनी स्टार्क का फेस दिखाई देगा, और अगर आप एक गेमर हो तो इसे एज अ गेम कंट्रोलर की तरह भी यूज करके गेम भी खेल सकते हो। आर्टिफिशियल एंट। एमसीयू के वन ऑफ द कूलेस्ट सुपर हीरो में से एक है एंटमैन, जिन्होंने अपने पावर से सभी तरह के चीटियों को कंट्रोल कर लेता है। अब उनकी इस पावर से इंस्पायर होकर फिस्टो नाम की कंपनी ने बहुत सारे रोबोटिक चीटियां बना ली है, जो असली चीटियों की तरह ही बिहेव करता है। 3D प्रिंटेड इन चीटियों की 6 मैकेनिकल लेग्स है, और उनके बॉडी में है पोर्सिलिन कंडक्टर, जिससे इन्हें काम करने के लिए एनर्जी मिलती है। इनके आंखों में इंस्टॉल्ड है छोटे छोटे स्टीरियो कैमरास, जिनकी मदद से ये जिस किसी भी ऑब्जेक्ट को देखेगा, वो सब कुछ आप घर बैठे अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हो। फ्यूचर में अगर इस एंट्स को और भी ज्यादा एडवांस बनाया जा सका, तो ये किसी भी जगह पर जाकर सीक्रेट डेटा निकाल सकता है, जो किसी को पता भी नहीं चलेगा। आयरन मैन VR। अगर आप रियल लाइफ आयरन मैन बनकर टोनी के सूट को पहनकर उड़ना चाहते हो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो आयरन मैन की तरह फील जरूर ले सकते हो उनके इस VR ग्लास से। इसे पहनकर कोई भी टोनी का सबसे पावरफुल AI जार्विस से बात कर पाएगा और उसकी तरह उड़ने का मजा उठा पाएगा, और वो हर चीज कर सकेगा जो आयरन मैन करता था। इस VR ग्लास को लगाते ही वो इंसान वर्चुअली खुद टोनी स्टार्क बन जाएगा। इसमें एक रिमोट कंट्रोलर भी है, जिसे प्रेस करके आप VFX का मजा उठा सकते हो। ये VFX इतना कमाल का है कि आपको इसमें उड़ने जैसा रियल फील आएगा, या फिर आप ऐसा महसूस करोगे कि आप सच में अपने हाथों से रिपल्सर जेनरेट कर रहे हो। तो इन सभी गैजेट्स में से आपको कौन सा गैजेट सबसे अनोखा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।